वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों। इस सीरीज़ में हम 60 सेशन तक जाएंगे, जिसका यह पहला सेशन है, और हर सेशन में हम 30 क्वेश्चंस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग एजुकेशनल अकेडमी पर मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ मार्केट विथ फ्यू प्रोड्यूसर्स इन द इंडस्ट्री, यानी एक मार्केट है जिसमें केवल कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, उस इंडस्ट्री को हम क्या कहेंगे, ओलिगोपॉली, मोनोपसोनी, डियोपॉली या कार्टल। तो उसको हम ओलिगोपॉली कहेंगे। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, एल्युमिनियम आदि सेक्टर में ओलिगोपॉली कुछ कंपनीज के स्थापित हैं। जैसे अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैं बात करूँ तो इंडिया में मेजर कंपनीज कौन कौन सी है, टीवीएस है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, टाटा है, और वर्ल्ड में अगर मैं बात करूँ तो टोयोटा, फोर्ड, ऑडी, रेनॉल्ट, निसान, होंडा, ये सब सारी कंपनी और कई सारी ऑडी, ये सारी कंपनीज हैं। सीमेंट सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो अल्ट्राटेक, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, बिरला, बंगस सीमेंट जिसका टैगलाइन है सस्ता नहीं सबसे अच्छा, इंडिया सीमेंट, डालमिया सीमेंट, बिनानी सीमेंट, ये सारी बड़ी कंपनीज हैं, माइसम सीमेंट, तो और बाकी सारे एग्जांपल मैंने यहाँ कोट कर दिए हैं। स्टील सेक्टर में अगर बात करें तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, वीजा स्टील, टाटा स्टील, सेल, ये सारी कंपनीज जो है वो स्टील सेक्टर में अपना प्रभुत्व रखती हैं। साथ में अगर मोनोपसोनी की बात करूं, आप मुझे एक बात बताइए, इसमें जो अल्ट्राटेक है, एसीसी है, इन सबकी टैगलाइन बताइएगा मुझे आप, क्योंकि टैगलाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। लाइक बिरला, जैसे मैंने बताया ना, बंगस सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, अगर मैं सही हूं तो। और सारे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अन्य सीमेंट कंपनीज की क्या क्या टैगलाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है। मोनोपसोनी की अगर मैं बात करूँ तो मोनोपसोनी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ केवल एक बायर होता है, यानी एक खरीदार होता है और बाकी सब बेचने वाले होते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कंपनी कोल टाउन का, यानी एक कोई टाउन है जहाँ पर कोल प्रोडक्शन, कोल माइनिंग होती है, तो कोई कंपनी बाहर से आई और वहाँ पर कोल माइनिंग स्टार्ट किया, तो कंपनी को क्या चाहिए कोल माइनिंग के लिए, लेबर चाहिए, और वहाँ टाउन में जो इस रीजनल लेबर है वो उपस्थित हैं, तो खरीदार वहाँ केवल एक कंपनी है लेकिन बेचने वाले बहुत सारे लेबर हैं, अपना श्रम बेच रहे हैं, तो वो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, मोनोपसोनी की कंडीशन हो जाएगी। डियोपॉली कौन सी कंडीशन होती है, डियोपॉली एक ऐसी स्थिति है जब मार्केट पर केवल दो बड़ी कंपनियों का प्रभुत्व हो किसी भी सेक्टर के, चाहे वो प्लास्टिक मनी के सेक्टर में डेबिट का, मास्टर और वीज़ा कार्ड का ले लो, या रुपये या वीज़ा कार्ड का ले लो, चाहे वो आप सॉफ्ट ड्रिंक में ले लो पेप्सी और कोका कोला का। कार्टल, कार्टल एक ऐसी कंडीशन है जब बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं, जैसे 8-10-12 कंपनी है, इनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करेंगी, ये आपस में मिल जाएंगी और एक ग्रुप बना लेंगे और कह देंगे, आपस में बात कर लेंगे, देखो आप लोग इतने इतने प्राइस पर बेचो, सब लोग आएंगे ही लेने हमको, यानी एक मैक्स मतलब हाई ऊंची प्राइस सेट कर देंगे और उस पर सब चीज़ बेचेंगे, तो उससे उनके प्रॉफिट गेन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन केस ऑफ डेफिसिट बजट, व्हेन द डेफिसिट आर कवर्ड थ्रू टैक्सेस, दैट बजट इज कॉल्ड सरप्लस बजट, बैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट या नन ऑफ द एबव। तो इसका हो जाएगा बैलेंस बजट। क्यों, देखो डेफिसिट बजट था, वो बिल्कुल डेफिसिट बजट था, लेकिन डेफिसिट को कवर कैसे किया गया, टैक्सेस से कवर कर लिया गया, तो इसीलिए वो बैलेंस बजट हो गया। देखो जब रेवेन्यू ज़्यादा होता है और एक्सपेंडिचर आपका कम होता है तो उसको हम कहते हैं सरप्लस बजट, जब एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा होता है और रेवेन्यू कम होता है तो उसको हम कहते हैं डेफिसिट बजट, और जब ये एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। और यहाँ क्या कंडीशन हुई, डेफिसिट बजट थी लेकिन सरकार को किसी से लोन नहीं लेना पड़ा, उसने लोन लेना नहीं पड़ा, उसने क्या किया, टैक्सेस लगाया और टैक्सेस के थ्रू सारा डेफिसिट कवर हो गया, तो उसको इसीलिए बैलेंस बजट कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द WTO वॉज फाउंडेड इन, WTO कब फाउंड किया गया था, यानी कब बना था। तो देखो WTO तो वैसे ऑफिशियली इसका नाम बदला गया था, यानी पहले था जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड, गैट था, उसका 1995 में क्या किया गया, नाम बदलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। एक्चुअली डब्ल्यू जो गैट था वो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, जब 1945 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था तो वहाँ कौन से दो बने थे ऑर्गेनाइजेशन ना, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहते हैं, कौन कौन से बना था, IBRD बना था, IBRD, जिसको बाद में क्या कहा गया, IBRD को वर्ल्ड बैंक कहा गया, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसको क्या कहा गया, वर्ल्ड बैंक कहा गया, और दूसरा बना था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
उसी समय यह प्रस्ताव आया था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन और होना चाहिए जो ट्रेड को मैनेज करे, लेकिन उस समय यानी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सुझाव आया था, लेकिन वो उस समय बना नहीं था और गैट से सारा काम करा जा रहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1995 सही आंसर हो जाएगा, यानी गैट जो है वही WTO में कन्वर्ट हो गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। गैट और WTO में मेजर डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो जो गैट था वो केवल एक ट्रीटी थी। क्या थी गैट जो थे ना, गैट वो क्या था, केवल एक ट्रीटी था, जबकि जो WTO था वो क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। जो गैट था उसके पास डिस्प्यूट मैनेजमेंट करने की जो पावर थी वो कम थी, जबकि WTO चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इसके पास डिस्प्यूट मैनेजमेंट की पावर अच्छी थी। साथ में जो गैट था वो क्या था, ये इंस्टीट्यूशनल, यानी जो WTO था वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पर चलता था, जबकि गैट नेगोशिएशन अप्रोच पर चलता था, यानी इसमें मोल भाव किया जाता था गैट में, जबकि जो WTO था वो चूंकि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी, उसके पास जाहिर सी बात जब इंस्टीट्यूशन है तो उसको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा उसके पास पावर होगी। जो WTO वो नॉन टैरिफ बैरियर ट्रेड इन सर्विसेज और कई सारी स्ट्रेटजीज, मतलब ये केवल टैरिफ बैरियर्स पर नहीं था, जबकि गैट जो था वो क्या था, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड क्या था, ये केवल टैरिफ की बात करती थी, जबकि जो WTO था वो नॉन टैरिफ बैरियर्स की भी बात करती थी, ट्रेड इन सर्विसेज की भी बात करती थी। बात समझ में आ गया आपको, यानी आपको मेजर अंतर तो समझ में आ गया होगा WTO और गैट में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ PSCs टू पब्लिक इज नोन एज, यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जिसको हम CPSE भी कहते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, इसको अगर हम बेच देते हैं, यानी सरकार अगर इसको बेच देती है इसके इक्विटी शेयर्स को, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर प्रॉफिट या डिविडेंड, तो इसको हम कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, यानी डिसइन्वेस्टमेंट ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो PSUs होते हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होते हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज मतलब क्या, सरकार की कंपनी, सरकारी कंपनी, उसको क्या करेंगे हम प्राइवेट हाथों में दे देंगे और उसको कहेंगे प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इक्विटी शेयर क्या है, इक्विटी शेयर कुछ और नहीं है, सिंपल ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्स ऑफ अ कंपनी है, यानी एक कंपनी क्या करती है, जब नया स्टार्ट होती है तो क्या करती है, उसको पैसे चाहिए होते काम करने के लिए, तो वो शेयर जारी करती है और शेयर लोग खरीदते हैं, उसे पैसे मिल जाते हैं, तो इक्विटी शेयर सिंपल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्स है। ओके, बाद में IPO जारी होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो पब्लिक ऑफरिंग, सब्सक्राइब शेयर, बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट सिंपल है, जितना हम कैपिटल गेन करते हैं वो प्रॉफिट हो जाता है। क्या है प्रॉफिट, क्या है प्रॉफिट, जितना हम कैपिटल गेन करेंगे, कैपिटल गेन होगा उसे हम प्रॉफिट कह देंगे। डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट में से जब जितने शेयर होल्डर्स हैं, जब उनको हम जो देंगे वो डिविडेंड कहलाएगा, यानी इनकम इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ कॉर्पोरेशन टू द स्टॉक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स, उसे क्या कहेंगे हम, डिविडेंड कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, यानी विच हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, यानी इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा हम क्या है जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से ऐसा हम क्या रिमूव कर दें जिससे जो इंडियन गुड्स है वो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे कंपटीशन देने लगें, अच्छे से प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से वो बिकने लगे या उसकी उनकी डिमांड बढ़ जाए, इम्पोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, टैरिफ या कोटा। तो देखो, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पर तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ फिलहाल जो हम मंगाते हैं उन पर लगाते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उन ड्यूटीज़ को घटा देंगे हम तो क्या होगा, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को हम घटा देंगे तो जो हमारे गुड्स की प्राइजेस हैं वो हो जाएंगी कम, और जब गुड्स की प्राइजेस कम हो जाएंगी तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि कम प्राइस पर अच्छी गुड्स मिल रही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी क्या होगा, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को अगर हम घटा दें। द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अज्यूम्स दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 1, 2, 3 और 4, सो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। देखो, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है कि इनकम और आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, जहां एल है लेबर, के है कैपिटल, अल्फा जो है और बीटा ये आउटपुट इलास्टिसिटीज हैं और ए जो है वो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है। इफ़ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन,
जो कि केवल परफेक्ट कंपटीशन में ही होगा, तब जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है। अगर अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन वन है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा, और अगर अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन वन है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन फंक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पर वन हो जाएगा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन में, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में की कंडीशन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ कंज्यूमर अटेन्स हिज हर इक्विलिब्रियम द पॉइंट वेयर टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, और मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। तो एक कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा? जहाँ पे उसको मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर होगी वहीं पर वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफ शो हो रहा है, इस ग्राफ में देखिए जो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है यानी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो हो रहा है और प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, और जहाँ ये एक दूसरे को कट करते हैं वहीं पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स और प्राइस जो एक्स की प्राइस है वो आपस में बराबर हो जाती है। लेकिन ये केवल एक कंडीशन, उस कंडीशन में है जब केवल एक गुड्स की बात हो रही हो। जब मल्टीपल गुड्स हो उस समय क्या होगा? मल्टीपल गुड्स के समय लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लागू होता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये कौन सा नियम है? ये गोसेन का लॉ, सेकेंड वाला लॉ है। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ गोसेंस फर्स्ट लॉ कहते हैं, वैसे ये गोसेंस सेकेंड लॉ है। उस कंडीशन में क्या होगी? जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स और उसका प्राइस एक्स का जो रेशियो होना चाहिए वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई और उसके प्राइस के इक्वल होना चाहिए, जो कि लास्ट में मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन करता है। ओके, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पैरेटो ऑप्टिमेलिटी कैन टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन, पैरेटो ऑप्टिमेलिटी है क्या? पहले पैरेटो ऑप्टिमेलिटी कहता है कि मेक अ पर्सन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनी वन वर्स ऑफ, यानी किसी पर्सन को अच्छा बनाना बिना किसी दूसरे पर्सन को खराब किए हुए। ऐसा किस कर्व में संभव होता है? ऑप्शन आर लाफर कर्व, एंजल कर्व, कॉन्ट्रैक्ट कर्व या लॉरेंज कर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कर्व। देखो यहाँ चारों कर्व के थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। लाफर कर्व क्या शो करता है? लाफर कर्व आर्थर लाफर ने 1974 में दिया था। कब दिया था इन्होंने? 1974 में आर्थर लाफर ने दिया था, ठीक है। वैसे तो ये लाफर खुद नहीं मानते थे कि मैंने ये कर्व दिया है, वो थोड़ा सा इंसिडेंट है, बाद में डिस्कस करूंगा उस पर। लाफर कर्व दो चीज़ों के मध्य संबंध बताता है, एक टैक्स रेट और टोटल टैक्स रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है और उससे और जो उसे रेवेन्यू उससे प्राप्त होता है उसमें क्या संबंध है। तो इन्होंने क्या कहा? कहा जब गवर्नमेंट स्टार्टिंग में टैक्स लगाती है तो उसका रेवेन्यू बढ़ता है, लोग टैक्स देते हैं। एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, जब गवर्नमेंट क्या करती है टैक्स बढ़ाती है, तो उसका रेवेन्यू गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि टैक्स इवेजन पैरेलल इकोनॉमी के साथ चलने लगती है। तो ये 1974 में आर्थर लेफर ने बताया था। एंजल की अगर कर्व की अगर मैं बात करूं तो एंजल कर्व जो है वो ऑप्टिमल चॉइस ऑफ गुड्स एंड इनकम के मध्य संबंध को बताता है, और साथ में जो एंजल कर्व का सेप होता है, जो एंजल कर्व का सेप, यहाँ तो ये सीधा दिख रहा है अपवर्ड स्लोपिंग और ये नॉर्मल गुड्स के लिए है। एंजल कर्व का जो सेप होता है वो गुड्स की इलास्टिसिटी यानी गुड्स के डिमांड की इलास्टिसिटी को बताता रहता है। यहाँ हम इनकम कंजप्शन कर्व से एंजल कर्व का डेरिवेशन का मैंने डायग्राम शो किया है। तो एंजल कर्व क्या करता है, बड़े स्तर पर आप समझ लीजिए कि ये ऑप्टिमल चॉइस ऑफ गुड्स एंड इनकम के बीच को के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। और इसका जो शेप होता है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स ऑफ गुड्स को भी शो करता रहता है। लाइक कभी कभी एंजल कर्व ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, बहुत सारे शेप होते हैं इसके। कॉन्ट्रैक्ट कर्व की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है वो ये कर्व है, देखिए ये कर्व है। इन डिफरेंसेस कर्व को क्या हुआ, दो मैप को उल्टा कर बना दिया गया, ये ऐसे एक ऐसे बनाया गया और दूसरा इसको उल्टा करके ऐसे बना दिया गया। तो जहाँ जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिलते हैं और इन दोनों इन सब पॉइंट को मिला दिया जाता है उससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर कहते हैं। पैरेटो ऑप्टिमेलिटी इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व के हर पॉइंट पर जो है लागू होती है। इसको सैमुएलसन ने प्रूफ किया था, सैमुएलसन की एक थ्योरी आती है बाद में पैरेटो ऑप्टिमेलिटी को प्रूफ करने के लिए यूज़ किया जाता है।
अगर मैं सही हूँ तो जे एस मिल ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट कर्व थ्योरी दी थी और उन्होंने भी इसका यूटिलाइजेशन अच्छे खासे किया था। अब लास्ट बचा लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। लॉरेंज कर्व क्या करता है, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि लॉरेंज कर्व के एक्चुअली जो मैथमेटिकल वर्जन है वो जीनी कोएफिशिएंट या गिनी कोएफिशिएंट के रूप में है। तो जो लॉरेंज कर्व है वो क्या करता है, पॉपुलेशन और इनकम के मध्य डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है कि कितना कितना जो इनकम है वो पॉपुलेशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर देखो आप, जैसे जैसे ये गैप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, यानी इनइक्वालिटी को शो करता है आपका लॉरेंज कर्व। ओके, अकॉर्डिंग टू सेज लॉ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड बाई राइज इन वेजेस, फॉल इन वेजेस, टैक्सिंग वेजेस या सब्सिडाइजिंग वेजेस। देखो से जो थे, से का नियम क्या था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी सप्लाई जो है वो खुद की मांग पैदा कर लेती है। और से जो थे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, जे बी से, जीन बैपटिस्ट से उनका पूरा नाम था, और इन्होंने एक बुक लिखी थी ट्रैक्टिक डी इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू, ट्रैक्टिक डी, डी अलग था, इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू, ठीक है, इनकी एक बुक है। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ये फिलहाल याद रखने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने बता दिया। जीन बैपटिस्ट से इनका भी पूरा नाम तो पता होना चाहिए, जिनके क्लासिकल थ्योरी एडम स्मिथ की जो है वो इन्हीं की थ्योरी पर बेस्ड है, यानी क्लासिकल जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनकी थ्योरी जो है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड जो है फंडामेंटल रूल पर बेस्ड है। इन लोगों का मानना क्या था कि जैसे जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो आप वेज रेट को क्या करो, कट कर दो। जब वेज रेट को आप कट कर दोगे तो उतने ही वेज में, जितना चूंकि वेज कम किया गया उतने ही वेज में नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो फॉल इन वेजेस, यानी वेज रेट को कट करके इसको जो है आप अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हो। बाद में 1936 के बाद कीन्सियन ने क्या कहा, कीन्सियन इकोनॉमिस्ट ने या कीन्स मौद ने क्या कहा, कहा कि ऐसा है ये काम गलत है, अगर आप वेज कट कर दोगे तो परचेजिंग पावर ही घट जाएगी। तो बाद में 1936 में ये बात खंडित हो गई कि वेज में कट करके आप अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकते हो। इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल इन वेज। यहाँ देखो ग्राफ, आपको ग्राफ शो हो रहा है कि जैसे वेज बढ़ा वैसे क्या हुआ, नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयड थे वो कम हो गए, ठीक है, यानी ये बता रहे हैं। और जैसे वेज कम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वेज को कम करके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। यानी ये से का ही बात नहीं है, सभी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऐसा ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली रिफर्ड टू एज अ ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा M4, क्योंकि M1 होता जो है वो होता है कैश होल्ड विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स। M2 होता है M1 यानी C+DD प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। M3 होता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक्स, यहाँ CBs का मतलब कॉमर्शियल बैंक्स है, सेंट्रल बैंक मत समझ लीजिएगा। और जो M4 है वो है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, यानी M4 इज इक्वल टू होता है M3 यानी कैश होल्डिंग विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक्स प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। ये होता है M4, जो कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई है। और जो M1 है वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी माना जाता है, और M3 मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है मनी के रूप में। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, M4 विच इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, कंजप्शन और इनकम में प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है तब जब APC और MPC आपस में बराबर होते हैं, यानी APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मैं सीधे आंसर दिखा दूँ तब आपको और बताता हूँ अच्छे से। इसका APC इज इक्वल टू MPC सही हो जाएगा आंसर। सेकेंड थिंग, ये देखिए ग्राफ देख रहे हैं, चूंकि आपने जब लीनियर कंजप्शन फंक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जैसे देखो ये से आपका एक्सपेंडिचर है और ये आपका कंजप्शन है और ये आपका इनकम है। तो अगर इस पॉइंट के बाद आप आते हो इस पॉइंट पर, इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यानी APC इज क्या होता है, वो C/Y होता है, यानी कंजप्शन अपॉन इनकम होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और MPC होता है चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। तो यहाँ जो ई पॉइंट है उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है, APC और MPC बराबर होते हैं, यानी जितना आप पाओगे
उतना ही आप खाओगे, यानी जितना आप कमाओगे उतना ही खाओगे, और उसके ऊपर जाने से क्या होता है, आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है और आपका कंजप्शन कम हो जाता है, और उसके नीचे जाने से क्या होता है, आपका कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है और आपकी इनकम कम हो जाती है, और जिससे डिस सेविंग बढ़ जाती है, यानी कंजप्शन इज़ ग्रेटर देन इनकम, और यहाँ क्या हो जाती है, इनकम इज़ ग्रेटर देन कंजप्शन। तो इस पॉइंट पर, ब्रेक इवन पॉइंट पर, जहां जीरो सेविंग होगी, जहां पर कंजप्शन जितना सेव करेंगे आप उतना ही कंज्यूम कर लेंगे, वहां पर इनकम और कंजप्शन में प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, यानी एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी होगा। इसे आप याद रखिए कि काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द जेंडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर? ऑप्शन ए, इट इज बेस्ड ऑन जेंडर स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्शंस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्क। इट हैज लेड टू एन इंक्रीज इन वुमेन्स कंजप्शन वर्ल्ड वाइड। इट निगेट्स द डबल बर्डन। नन ऑफ द अबव आंसर्स आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इट इज बेस्ड ऑन जेंडर्ड स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्शंस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्क। यानी जेंडर डिवीजन क्या है, इट इज बेस्ड ऑन जेंडर्ड स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इट हैज क्रिएटेड न्यू एरियाज ऑफ वुमेन्स एडवांसमेंट। इट हैज led to new challenges and dangerous for women. It has not changed the fundamental inequality of gender relationship in the world enough. All of the above options are correct. So, लग तो सभी सही रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा all of the above options given above are correct. इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, समझिएगा अच्छे से. Next question देखते हैं, question number 14. In Nuxian formulation of the thesis of the vicious circle of poverty, in the context of an underdeveloped country, the inducement to investment is limited by option A, lack of saving, option B, lack of investment opportunities, option C, size of the market, option D, the policy of the government. तो इसमें क्या होगा, देखो नक्शे ने क्या किया था, 1961 में इन्होंने एक लेख लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। उसमें इन्होंने विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी दिया था, क्या लिखा था इन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल इनफॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल इन्फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज 1961 में लिखा था, जिसमें इन्होंने विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी दिया था और कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट जो है लिमिटेड किससे होता है, साइज ऑफ द मार्केट से होता है। ये मैंने विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी का एक चित्र दे दिया, वैसे इसमें तीन डायग्राम होते हैं, डिमांड साइड, सप्लाई साइड और दोनों को मिक्स करके, ओके, ये साइकोलॉजिकल इशू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। टैक्सेस रेज्ड आर क्रेडिटेड इनटू, जो टैक्स लगाया जाता है वो कहाँ जाता है, कहाँ क्रेडिट होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कंटेंजेंसी फंड में, पब्लिक अकाउंट में या प्राइवेट अकाउंट में। तो अरे प्राइवेट अकाउंट में तो नहीं होगा, कंसोलिडेटेड फंड, कंटेंजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट, तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। मैं इसको तीनों फंड बताता हूँ आपको। देखो जो गवर्नमेंट के फंड होते हैं वो तीन फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड होता है जो मेन अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, यहीं से ये खर्च करती है। साथ में इसको जब खर्च करना होता है तो पहले तो गवर्नमेंट से, वो संसद से क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है कि पहले आप हमें बता दो इसे खर्च करें कि ना करें। इसका सोर्स क्या होता है, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू। टैक्सेस में क्या आते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, नॉन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन से आ जाते हैं, लाइक फीस एंड फाइंस हो गए, स्टाम्प ड्यूटीज हो गई, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाते हैं। इसको जो है ये ध्यान रखिएगा, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये आर्टिकल 266(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट की जब मैं बात करूँ तो पब्लिक अकाउंट जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए होता है, और इसमें जो मनी आती है वो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बचती है वो आती है पब्लिक अकाउंट में। इसको खर्च करने के लिए सरकार को किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, और ये आर्टिकल 266(2) के अंतर्गत आता है। और कंटेंजेंसी फंड है जिसमें 500 करोड़ हमेशा परे रहने ही रहने हैं, 500 करोड़ रुपए हमेशा रखे रहने हैं, अनफॉर्सिन ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, लाइक आपदा आ गई, कहीं पर अटैक हो गया हमारे ऊपर, उन कंडीशन में लाइक विधवा पेंशन वगैरह दिया जाता है, जो कहीं किसी की डेथ हो गई तो जो राशि जारी की जाती है कि 1,00,000 रुपए या 2,00,000 रुपए पर्टिकुलर उस व्यक्ति के या उस परिवार को दी जाती है, वो इसी फंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, और ये आर्टिकल 267(1) के तहत आ जाता है। इसको आप और डिटेल पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैंने इसको इनसाइट को इंटर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
विच इज़ द टर्म यूज टू रिफर द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। तो इसको क्या कहते हैं हम, ह्यूमन इकोलॉजी कहते हैं। थोड़ा जल्दी खींच दें वरना बहुत सारा समय ले लेंगे हम इस 30 क्वेश्चन में, चूंकि हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा लंबा समय लगेगा। विच इज़ द टर्म यूज टू रिफर द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी तो नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो आप केवल ह्यूमन की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। ह्यूमन इकोलॉजी, हाँ ह्यूमन इकोलॉजी जरूर होगा। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन का इन्वायरमेंट की अगर बात करूँ तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में बहुत सारे इन्वायरमेंट आ जाते हैं, लाइक ह्यूमन का सोशल इन्वायरमेंट, ह्यूमन का कल्चरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन का जो नेचुरल इन्वायरमेंट, काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन इकोलॉजी क्या करता है, ये ह्यूमन बींग्स और उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के मध्य रिलेशन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑफन मेजर्ड बाई, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसे मेजर की जाती है, रियल जीडीपी पर कैपिटा से, या रियल जीडीपी से, रियल जीडीपी पॉपुलेशन से, या रियल जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन से। तो रियल जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन तो गलत ही होगा क्योंकि जीडीपी में तो डेप्रिसिएशन पहले से ही ऐड रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियल जीडीपी पर कैपिटा। अच्छा, रियल जीडीपी क्या होती है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, रियल जीडीपी क्या होती है ना, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, इससे पहले मैंने पढ़ा रखा है पिछले वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द जिनी कोफिशियंट या गिनी कोफिशियंट मेजर्स इनकम इनइक्वालिटी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो गिनी कोफिशियंट क्या है, ये मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनकम इनइक्वालिटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है वो मैंने यहाँ चार्ट में शो कर दिया, आप डाउनलोड करेंगे तो उसको पढ़ेंगे भी, यानी ए अपॉन ए प्लस बी, यानी ये एरिया और ये पूरा एरिया को अगर रेशियो ले लिया जाए तो हम उसे जिनी कोफिशियंट कहेंगे। ठीक है, इंडिया के लिए इसका मान कितना है मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में, इंडिया के लिए वैल्यू कितनी है। द एयर इन विच बर्गेस एंड पार्क डेवलप देयर थ्योरी ऑफ अर्बन इकोलॉजी, थ्योरी ऑफ अर्बन इकोलॉजी बर्गेस एंड पार्क ने 1925 में दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन इकोनॉमिक मार्केट दैट इज कंट्रोल्ड बाई टू मेन सप्लायर, अगर दो सप्लायर किसी मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा। इससे पहले भी मैंने भी पहले क्वेश्चन में बताया था, याद करिए आप, उसको डियोपॉली कहते हैं, लाइक पेप्सी और कोका कोला, उबर और ओला, आप उबर ओला में देख लीजिए, और वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड में देख लो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट देख लो आपस में। तो ये दो मार्केट ऐसी हैं, डियोपॉली कहते हैं इन सबको। मोनोपॉली में क्या होता है, मोनोपॉली में पर्टिकुलर एक कंपनी होती है जो खुद ही सारा कुछ डिसाइड करती है, खुद ही प्राइस सेट करती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे जो है मोनोपॉली केवल इंडिया, इंडियन रेलवे बस वही एक है और रेलवे की कोई कंपनी इंडिया में नहीं है। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो एक सेलर होगा वो क्या करेगा, एक कंज्यूमर से दूसरा प्राइस, दूसरे कंज्यूमर से दूसरा प्राइस, तीसरे कंज्यूमर से दूसरा प्राइस, यानी अलग अलग प्राइस सबसे लेगा, उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये इसकी भी डिग्री अलग अलग होती है, डिग्री वन, डिग्री टू, डिग्री थ्री। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है इन सबको बताने की जरूरत मुझे है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स हाउ अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन इट्स फंड, पब्लिक सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यानी पीएससीज होते हैं जो, ठीक है, पीएससीज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन यानी सरकार की कंपनी जो होती हैं वो कैसे फंड को पाती हैं, कैसे पैसा पाती हैं। तो सिंपल है, ऑप्शन पहले सुन लीजिए आप, फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, फ्रॉम मनी इन्वेस्टेड बाई शेयर होल्डर्स, फ्रॉम डोनेशन मेड बाई द पब्लिक, फ्रॉम सेल्स इन ओवरसीज मार्केट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो पब्लिक सेक्टर्स होती हैं उसमें आती है जनरल गवर्नमेंट और पब्लिक कॉरपोरेशन। जनरल गवर्नमेंट भी आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। और ये पैसा कहाँ से पाते हैं, ये पैसा पाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। डायनेमिक इनइफिशियंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इकोनॉमीज आउटपुट पर यूनिट लेबर इज बिलो इट्स स्टडी स्टेट वैल्यू, द इकोनॉमीज अंडर डेवलपमेंट, द इकोनॉमीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज टू हाई, द इकोनॉमीज स्टडी स्टेट इज नॉट एट द गोल्डन रूल स्टडी स्टेट, एंड नन ऑफ द अबव आंसर आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, द इकोनॉमीज आउटपुट पर यूनिट लेबर इज बिलो इट्स स्टडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, डायनेमिक इनइफिशियंसी क्या कहेंगे, द इकोनॉमीज आउटपुट पर यूनिट लेबर इज बिलो इट्स स्टडी स्टेट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कैपिटल वाइडनिंग, कैपिटल वाइडनिंग, वाइडनिंग मतलब समझ रहे हो, वाइडनिंग, कैपिटल वाइडनिंग मतलब कैपिटल का विस्तार, रिफर्स टू द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नीडेड इंक्रीज द कैपिटल पर यूनिट इफेक्टिव लेबर रेशियो, रिप्लेस कैपिटल दैट हैज डेप्रिसिएट, इक्विप न्यू यूनिट्स ऑफ इफेक्टिव वर्कर्स एट द सेम कैपिटल पर यूनिट इफेक्टिव लेबर रेशियो एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि देखो
कैपिटल पर यूनिट इफेक्टिव लेबर रेशियो क्या होता है? इफेक्टिव लेबर रेशियो है जितना हमने मनी पाया उतने आवर हमने काम किया, यानी जितना पैसा लिया उतना काम, जितना पैसा उतना काम, ये इफेक्टिव लेबर रेशियो हो गया या इफेक्टिव लेबर रेट हो गया। तो जब इसमें हम कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल वाइडनिंग होगा ही होगा, कैपिटल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैपिटल अगर जो डेप्रिसिएट हो जा रही है अगर उसको हम उतना रिप्लेस कर दे रहे हैं तो क्या होगा, कैपिटल वाइड होगा, क्योंकि अगर इसको हम नहीं करेंगे तो कैपिटल लगातार क्या होगा, सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। इक्विप न्यू यूनिट्स, हम नए नए यूनिट्स को क्या करें, इंटर कर दें विद ऑफ इफेक्टिव वर्कर्स एट द सेम कैपिटल पर यूनिट इफेक्टिव लेबर रेशियो, तो भी कैपिटल बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अ पेस्ट एनालिसिस इज कंडक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट। अ पेस्ट एनालिसिस इज कंडक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, मार्केट इन्वायरमेंट, हिस्टोरिकल इन्वायरमेंट या मैक्रो इन्वायरमेंट। तो इसका मैक्रो इन्वायरमेंट सही आंसर हो जाएगा, यानी अ पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। क्या हुआ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये एनालिसिस है, ये एनालिसिस मैंने यहाँ दिया। अ पेस्ट एनालिसिस इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस टूल यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू डिस्कवर, इवेल्युएट, ऑर्गेनाइज एंड ट्रैक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर विच कैन इंपैक्ट ऑन देयर बिजनेसेस नाउ एंड इन द फ्यूचर। ओके, ये पेस्ट एनालिसिस है जो कि मैक्रो इन्वायरमेंट को डिटरमाइन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इन्वायरमेंट को देखता है। क्वेश्चन नंबर 25। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम सेंट्रल सिटीज टू स्मॉलर कम्युनिटीज इन द सराउंडिंग एरियाज नोन एज, यानी एक सिटी कोई सेंट्रल सिटी है, ठीक है, सेंट्रल सिटी है ये, इसके आसपास की जो सिटी होगी उसे क्या कहेंगे, उसे सब अर्बन एरिया कहेंगे ना, वो सब अर्बन एरिया होगा, वो टोटली सिटी पर डेवलप होगी, उस सिटी पर डिपेंड होगी, और सिटी से अगर जाकर लोग यहाँ रहते हैं तो उसको क्या कहेंगे, वह उसे रिवर्स माइग्रेशन नहीं कहेंगे, उसे हम ओवर अर्बनाइजेशन नहीं कहेंगे, उसे हम अंडर अर्बनाइजेशन भी नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे सब अर्बनाइजेशन। इसका मैंने एक इंफोग्राफिक्स में इंसर्ट कर दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द पीरियड ऑफ द बिजनेस साइकिल इन विच रियल जीडीपी इज इंक्रीजिंग इज कॉल्ड, जब रियल जीडीपी बढ़ता है उस दौरान उस पीरियड को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन या डेप्रिसिएशन, उस पीरियड को कहते हैं हम एक्सपेंशन। देखो यहाँ पर ये क्या है, एक्सपेंशन का पाथ, जब क्या है रियल जीडीपी लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही, उसको एक्सपेंशन कहते हैं। रिसेशन किसे कहते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं रिसेशन आपको बताऊं तो जब जीडीपी लगातार दो क्वार्टर्स में जब लगातार जीडीपी गिरती है, नेगेटिव नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिए, नेगेटिव नहीं होती है या नेगेटिव हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हम रिसेशन कहते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ आपको कि लगातार जब कॉन्जिक्यूटिव टू क्वार्टर्स में जीडीपी गिर रही होती है तो उसे हम कहते हैं रिसेशन, और जब यही जीडीपी नेगेटिव में चली जाती है तो उसको कहते हैं हम डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच द वर्कर्स आर इन बिटवीन जॉब्स और आर सर्चिंग फॉर न्यू एंड बेटर जॉब्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या टर्नओवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको मैंने अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ाया है, शायद 2 मिनट का कोई वीडियो है मेरा एक, उसमें मैंने सारे अनएम्प्लॉयमेंट बताए हैं कौन कौन से होते हैं। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वहाँ पर ओल्ड जॉब को छोड़कर वो नए जॉब में जंप करता है। देखो जैसे ये ऊंची या लंबी कूद की जो है ट्राई कर रहे हैं, अगर ये बीच में फंसे तो ना ये इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, जब वो एक जॉब कर रहा होता है और दूसरी को सर्च कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूजर फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ा तो किसको नुकसान हो जाएगा, वर्कर्स विथ कोलाज, पीपल हु ओन ट्रेजरी बिल, द मिडिल क्लास, यानी पीपल हु ओन होम्स एंड हैव फिक्स्ड रेट मॉर्गेजेस। देखो जो लोगों ने जिन लोगों ने ट्रेजरी बिल्स यानी शेयर खरीद रखे हैं उनको नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा उनको, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं इन लोगों को नुकसान क्यों होगा, क्योंकि जिन्होंने शेयर खरीदा, मान लिया शेयर का एक समय में वैल्यू 100 रुपये की इन्होंने खरीदी, और उस समय इन्फ्लेशन 4% था, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो मनी वैल्यू क्या हुई, घट गई ना मनी वैल्यू, तो अब ये 99 हो गया या 90 रुपीज हो गई, तो 10 रुपये का इनका तो नुकसान हो गया और जो जिसने बेचा था उसका फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पीपल हु ओन ट्रेजरी बिल उसका नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन फ्रिंज, अर्बन फ्रिंज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो इसको M.N. श्रीनिवास ने दिया था, और ये है अर्बन फ्रिंज, यानी एक मेन सेंटर होता है और उसके आसपास जो एग्रीकल्चरल सेक्टर होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं,
किन किन कैसे कैसे वो सिटी पर डिपेंड करते हैं और कैसे कैसे वो फैले होते हैं, इससे रिलेटेड एक और थ्योरी है ज्योग्राफी में, मैंने पढ़ी थी इसको, वॉन थ्यूनेन के बाद एक थ्योरी आती है, मुझे इस समय नाम याद नहीं है, याद आते हैं मैं किसी और वीडियो में उसको कोट करूँगा। तो यहाँ फिलहाल एम एन श्रीनिवास ने अर्बन फ्रिंज का कॉन्सेप्ट दिया है, इससे रिलेटेड ही वॉन थ्यूनेन के आसपास एक थ्योरी है, मुझे याद नहीं अभी, फिलहाल बताऊंगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरिस्ट इन द लॉन्ग रन द फिलिप्स कर्विज, मॉनेटरिस्ट के अनुसार मुद्रावादी, किसी एक का नाम बता दीजिए आप कमेंट सेक्शन में मॉनेटरिस्ट का नाम, तो फिलिप्स कर्व कैसा होगा, वर्टिकल होगा, हॉरिजेंटल होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा या अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो वर्टिकल होगा। देखो शॉर्ट टर्म में जो फिलिप्स कर्व होता है वैसे तो उसको यल सेप कहते हैं, लेकिन वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व होता है। और जो लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व है वो देखो, ये लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व, ये लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व वो जो है वर्टिकल होता है। क्या होता है? वर्टिकल होता है। ठीक है, ए डब्ल्यू फिलिप्स ने इसको 1958 में दिया था। ठीक है, 1958 में। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जितने भी वीडियोज़ अभी अपलोड करने वाला हूँ 60 वीडियोज़, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और डेली का डेली 30 क्वेश्चंस को मैं जिस तरह एनालिसिस करके सॉल्व कराता हूँ, उसी तरह आप इसको सॉल्व करिए, साथ में एडिशनल चीज़ें और भी ऐड करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल, बाय बाय।